Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor R. Sukakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Meet karti hu, aap sab badhiya hai, khush hai, swast hai, things are fine at your place. And with this, I'm starting today's session. Saturday to basically मंडे टू सैटरडे जो भी हमने कवर किया है, संडे था आपके पास. मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबने रिवाइज कर लिया होगा वट एवर वी हैव कवर्ड. अगर रिविजन करी है, नहीं करी है, टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट? पता चलता है. और आप जब लिखोगे येस नो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, नो बडी इज हेयर टू जज यू, बट मेक श्योर कि आप कॉन्स्टेंट और कंसिस्टेंटली रिवाइज चीज़ों को करें. रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हाउ टू रिवाइज, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आई लेट यू नो, कमेंट सेक्शन में बता देना. इन द नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट. हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे और कोई 25 मिनट का अलग से सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेव हो जाएगा. इसी सेशन में ही बता दूंगी. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू लेट मी नो. नाउ थिंग्स दैट वी हैव टू कवर इन टूडेज लेक्चर, ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, जो कि आपके प्रिलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो यू कैन टेक दिस आर्टिकल बोथ वेज. अब बोथ वेज है तो क्या क्या चीज़ें हैं? तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट ने मेंशन करी हैं, इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स एंड इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस जो होंगी वो आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी. प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली अबाउट दिस रिपोर्ट, अबाउट UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पोवर्टी के बारे में. मेंस में GS पेपर 3 कनेक्टिविटी. अब तो देखो सिलेबस याद करने से अब तक तो आ जानी चाहिए, अभी भी नहीं आ रही है तो सिलेबस याद नहीं है. जिस दिन सिलेबस अच्छे से याद हो गया खुद से पता चल जाएगा पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3 या पेपर 4. ये है GS पेपर 3 का टॉपिक, जिसको मैं आप इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ सबसे लिंक कर सकते हो. व्हाई आई एम सेइंग एम्प्लॉयमेंट, जब मैं इसमें बात करूंगी आगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? तो एक तो ये आर्टिकल है, फिर उसके बाद GS पेपर 2 से आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो अबाउट IGMS 2.0 इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम. ये आपके गुड गवर्नेंस से भी आप लिंक कर सकते हो, राइट? सो दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट. ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेलिवेंट रहेगा. यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग. शस्त्र रामानुजन प्राइज, GS पेपर 1 एंड बेसिकली मोर टू ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रिलिम्स, प्रिलिम्स अप्रोच रहेगी इसके अंदर. तो शस्त्र रामानुजन प्राइज क्या है, किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इस बार किसको दिया है, विल टेक इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. पिग्मी हॉक्स स्पीशीज इन न्यूज, प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट. और इसी के साथ साथ आज स्पीशीज इन न्यूज और इससे लिंक्ड है एक नेशनल पार्क, एनवायरमेंट सेक्शन हो गया आपका, ठीक है? ये आर्टिकल आज आपका चर्चा का विषय रहेगा. डिसग्रेसफुल, इंडिया आफ्टर डिप्लोमैट स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग UK गुरुद्वारा. तो क्या है ये पूरा चर्चा का विषय, वो हम जानेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक दीज लेक्चर्स, यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम IAS चैनल. मूविंग फॉरवर्ड, सी ये आर्टिकल आपको हर एक न्यूज़पेपर में दिख जाएगा. इंडियन हाई कमिश्नर टू UK, सो बेसिकली इंडियन हाई कमिश्नर गुरुद्वारा विजिट वॉज ब्लॉक्ड वेयर इन स्कॉटलैंड बाय हुम, बाय प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट. तो ये पूरा क्या है आर्टिकल, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको एक चर्चा के रूप में ही बताऊंगी ताकि obviously it is a discussion, so we'll take that in a discussion format only. So recently, where in Scotland? Glasgow. Who is India's High Commissioner to UK? Vikram Doraiswamy. So Vikram ji. Now what happened recently in Scotland? Map mein aaj dekhoge aap, right? So अच्छा capital of Scotland मुझे जरा चैट सेक्शन में बताना. नाउ व्हाट हैपेंड इन स्कॉटलैंड, देयर वाज एन इवेंट, दैट इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिख गुरुद्वारा कमेटी फॉर इंडियन हाई कमिश्नर टू UK. बट व्हाट हैपेंड,
few radicals who support Khalistan movement, they disrupted the event, right? They tried to attack Indian High Commissioner to UK, Vikramji, in his car. They shared the videos also of the incident on social media, but we won't be sharing that. We won't be looking that video here. Obviously, देखो इंडिया और यूके के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं. इंडिया कैनेडा में जो हुआ है अभी उसके चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड वी हैव इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर हमने हर एक आर्टिकल को बहुत ही मतलब तरीके से अच्छे से कवर किया है चर्चा के विषय के रूप में. सो वहाँ पर अभी हमने करंटली इंडिया कैनेडा के जो रिलेशंस जिस तरीके से ख़राब हो चुके हैं, दे हैव कम टू द रॉक बॉटम, हमने पूरी उसकी बात करी. इंडिया एफटीए, जो इंडिया कैनेडा के बीच के जो एफटीए की बात थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको भी रोक दिया. इंडिया यूके के एफटीए की बहुत ही जोरों शोरों से बात भी चल रही है. रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इस टाइम यूके के साथ. तो बात ये हुई है कि सो दिस इज अ कंसर्न, बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देयर वॉज गैदरिंग देयर. हुआ क्या, थ्री इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि वो स्कॉटलैंड के भी नहीं थे, देवर फ्रॉम आउटसाइड स्कॉटलैंड, इंटेंशनली दे डिस्ट्रप्टेड द इवेंट. एंड द पर्पस वॉज ऑब्वियसली पता ही है इस टाइम पे जो सिचुएशन हो रखी है. सो थ्री डिस्ट्रप्टर्स, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्लान इवेंट दैट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द गुरुद्वारा कमेटी. दे वर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजर्स, ऑल्सो टुवर्ड्स द सीनियर कम्युनिटी लीडर्स एंड इवन टू द मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन हाई कमिश्नर, इवन टू द मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट. सो दे थ्रेटन्ड द ऑर्गेनाइजर्स, कॉजिंग कंसर्न, डिसकम्फर्ट, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सिचुएशन की और ज़्यादा खराब नहीं हो, द हाई कमिश्नर डिसाइडेड टू लीव द इवेंट. सो वट हैपन्ड, देखो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता था कि अगर आपके इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके के ऊपर फिजिकल ऐसे अटैक हो जाता है, क्योंकि वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इवन ट्राई टू फोर्सफुली ओपन द हाई कमिश्नर्स कार डोर, विच इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड दैट विल रिक्वायर अ पुलिस इन्वॉल्वमेंट. सो थैंकफुली वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स स्विफ्टली इंटरवीन एंड प्रिवेंटेड बेसिकली मेकिंग, ऑब्वियसली दैट सिचुएशन कुड बी मोर डेंजरस, बट उन्होंने that things got prevented. But yahan par UK government need to take steps, right? And India took this matter, and India has termed this incident disgraceful and said that the matter has been reported to the UK government as well as the police. So here, ye maine aapko bata hi diya hai, one of the extremists attempted to violently force ओपन दी हाई कमिश्नर्स कार डोर. ऑब्वियसली एक फिजिकल, एक बिगर इंसिडेंट हो सकता था, फिजिकली इंटरवीन बेसिकली हो सकता था, जो ऑब्वियसली इट वॉज अवॉइडेड, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर. ठीक है, एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कॉलिन ब्लूम. सो कॉलिन ब्लूम इज अ फॉर्मर एडवाइसर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाईलाइटेड दैट मतलब देखो जो ब्रिटिश सिख है, दे आर वंडरफुल पीपल. ही बेसिकली कॉलिन ब्लूम, द फॉर्मर एडवाइजर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेंशन्ड दैट. सो देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एग्रेसिव इंडिविजुअल्स हु डोंट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी. ही अर्ज्ड द यूके गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू एड्रेस एंड हैंडल दीज एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन द कम्युनिटी. सो ये भी उनके द्वारा कहा गया है. राइट, सो डेफिनेटली स्टेप्स विल बी टेकन, बट ये पूरा चर्चा का विषय था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है, वट एवर हैज हैपेंड. राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अदर आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट दिस इंडिया एजिंग रिपोर्ट. अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इससे आपके मेंस के लिए भी बहुत से आर्टिकल्स बनते हैं और आपके प्रिलिम्स के लिए भी बहुत से आर्टिकल्स बनते हैं. राइट, एंड इट्स फॉर एवरीवन. अगर आप अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स देख, दे माइट आस्क यू. राइट, सो दीज आर द थिंग्स. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं. रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया इन कोलैबोरेशन विद International Institute for Population Science has unveiled this India Aging Report highlighting the rapidly growing elderly population in India.
ओवरऑल इस लाइन से आपको समझ आ गया है कि इंडिया के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है, ये रिपोर्ट ने बता दिया है। हम थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सुनने की बातें हैं, आप चाहो तो साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ट्राई टू लिसन ऑल्सो। नाउ दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, ये रिपोर्ट बनती कैसे है, इन कोलैबोरेशन बिटवीन UNFPA राइट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, राइट, दे शेड द लाइट ऑन द इंक्रीज इन इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन। तो बात ये है कि इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है। ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे सो दैट इज 41% ओवर अ डेकेड, मतलब दिस मीन्स दैट देर इज अ सब्सटेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल, राइट। लुकिंग अहेड अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करूँ, 2050 की बात करूँ, तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है दैट मोर देन 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी एल्डरली, राइट। एंड इवन द रिपोर्ट एस्टिमेट कि बाय 2046 जो बच्चों का नंबर है, राइट, इंडिया विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन 0 to 15 ईयर्स ओल्ड, एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया विल एक्सीड। सो ये शिफ्ट देखने को मिल सकता है इन द एज डेमोग्राफिक ऑफ द कंट्री। 80+ की मैं बात करूँ, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एज्ड 80 एंड अबव इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्रामेटिकली बाय अबाउट 279% बिटवीन 2022 and 2050। अब बात करते हैं थोड़ा सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। वुमेन्स दे टेंड टू लीव लॉन्गर देन मेन, पर्टिकुलरली एट एजेस 60 and 80। तो यहाँ पर उन्होंने मैंशन भी किया है, लेट्स से दैट फॉर दैट मैटर हिमाचल प्रदेश एंड केरला, फॉर इंस्टेंस इन दीज स्टेट्स वुमेन एट 60 ईयर्स हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 23 and 22 ईयर्स विच इज 4 ईयर्स ग्रेटर देन मेन। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन टेंड टू लीव लॉन्गर, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पॉवर्टी और वेलबींग की भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ओवर 40% ऑफ elderly individuals, 40% of elderly in India, they belong to poorest wealth group. इसका मतलब ये है कि एक significant portion है of older people who struggle with financial difficulties. गरीबी जो है among the elderly is a big worry. It directly impacts their overall quality of life, their access to healthcare. They may find it challenging to afford even the basic needs, the medical services. So that is the case. A lot of elderly people, especially women, agar aap dekho, I'll talk about the recommendations later, thoda sa aur baat karte hain iske bare mein. A lot of elderly people, especially women, they are living without any source of income. ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट लैकिंग है, इट अफेक्ट्स देयर डे टू डे लाइव्स, देयर एबिलिटी टू एक्सेस द हेल्थ केयर जब जरूरत हो। अब थोड़ा सा रीजनल डिफरेंसेस भी हैं। देखो बच्चे, बात ऐसी है कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं, अब एल्डरली पॉपुलेशन जो है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स वो भी वेरी करती है। सदर्न स्टेट्स और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दे हैव higher proportion of elderly people as compared to national average, right? So certain regions have larger aging population as compared to others also. तो यहां पर अगर मैं sex ratio की भी बात करूं among the elderly, right? तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में देखो, मेन स्टिल आउटनंबर वुमेन अमंग, मैं एल्डरली की बात कर रही हूँ, सेक्स रेशो क्या होता है, इट टेल्स अस हाउ मेनी मेन देयर आर फॉर एवरी 1000 वुमेन, राइट। 2011 से 2021 के बीच में ये रेशो बढ़ा है एक्सेप्ट इन यूटीज एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ओवरऑल मैनी एल्डरली पीपल दे आर नॉट इवन वेल इन्फॉर्म्ड। सरकार बहुत से सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स उनके लिए लाती है बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। मात्र 50 या 55%, ओनली अबाउट 55% आर अवेयर अबाउट ओल्ड एज पेंशन स्कीम। 44% नो अबाउट द विडो पेंशन स्कीम। अब सिर्फ और सिर्फ 12% है हु नो अबाउट अन्नपूर्णा स्कीम।
तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है जिसको लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब थोड़े से अगर मैं कंसर्न की एक बात करूं, इस रिपोर्ट में मेंशन भी रहा है कि ओल्डर विमेन जो है इंडिया के अंदर, स्पेशली दोज इन पॉवर्टी, उन्हें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दे आर मोर लाइकली टू बी विडो, अकेली रहना, एंड हैव लिटिल इनकम। लिटिल भी छोड़ो, नो इनकम, कोई पर्सनल एसेट नहीं, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो हैवीली डिपेंडेंट होती है अपनी फैमिलीज पे सपोर्ट के लिए, रिसोर्सेस के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द सिनेरियो। अब ये रिपोर्ट रिकमेंडेशंस क्या देती है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा डायरेक्टली मेंस में, जीएस पेपर 3 में, वेरी वेरी वेरी, मतलब मार्क माय वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। नाउ सी, वी नीड टू कलेक्ट बेटर डेटा, वी शुड गैदर मोर एक्यूरेट, एंड ये वे फॉरवर्ड में भी आप लिख सकते हो अपने आंसर्स आंसर में, ये इसको 5 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड गैदर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एल्डरली पीपल बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस इन सर्वेज, लाइक नेशनल सैंपल सर्वे हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, सेंसस ऑफ इंडिया। तो पॉलिसी मेकिंग में भी यू विल बी मेकिंग, यू विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड, है ना? सरकार जो है, दे विल मेक बेटर डिसीजंस, बेटर पॉलिसीज रिलेटेड टू ओल्डर पीपल, बिकॉज दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड चैलेंजेस। बहुत से एल्डरली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल, तो दूसरी चीज क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस, टेल देम अबाउट दीज प्रोग्राम्स दैट कैन हेल्प देम, इंश्योर दैट ऑल ओल्ड एज होम्स फॉलो सर्टेन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ एल्डरली रेजिडेंट्स। वी शुड एनकरेज ओल्डर पीपल टू कम टूगेदर टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू सपोर्ट ईच अदर, प्रमोट लिविंग विथ फैमिली। जो इंपॉर्टेंस है ऑफ एल्डरली पीपल लिविंग इन मल्टी जेनरेशनल हाउस होल्ड, दादाजी, नानी जी, दादाजी, दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, राइट? लिविंग विथ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इज बेनिफिशियल फॉर ओल्डर पीपल। गवर्नमेंट शुड एनकरेज द पॉलिसीज दैट सपोर्ट एंड एनेबल दिस लिविंग अरेंजमेंट ऑल्सो। They will have maintain a sense of belonging and they will receive care and support from their family. Recently, few days back, like maybe 10 days back, 10 to 15 days back, I had a chance to visit. अब ये बात आ गई है, so I'm sharing that. I had a chance to visit an old age home and I saw, see, मतलब time नहीं है, मतलब I have मैंने वहाँ के जो ट्रस्ट मेंबर्स थे उनके साथ बात करी एंड आई टॉक्ड अबाउट इट। सो बेसिकली यू विल सी कपल्स, आज की जनरेशन, व्हाट दे आर डूइंग, हस्बैंड इज गोइंग फॉर अ 9 to 5 जॉब एंड हिज वाइफ इज आल्सो गोइंग फॉर 9 to 5 जॉब, और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 9 to 5 सबकी जॉब है, फैमिली में कोई नहीं होगा, सो दे आर, मतलब अपने पेरेंट्स को दे आर ब्रिंगिंग टू ओल्ड एज होम्स। और जो 65-70 प्लस, मतलब नाउ आज के टाइम पे बच्चे अपने पेरेंट्स को, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं, आप उनको ओल्ड एज होम छोड़ के आ रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आप देखभाल नहीं कर सकते थे। तो इन सेशंस के थ्रू मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज भी पहुँचे, आप लोग भी आगे शेयर करो कि ये जो आज का जो यूथ है, ये कुछ चीज़ें बहुत ही एसेंशियल और बेसिक चीज़ें भूलता जा रहा है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्डरली पीपल लिविंग विद यू। आप अपने ही पेरेंट्स को, जब वो 70 प्लस 80 प्लस होते जा रहे हैं, आप उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये आई कांट से मच, बट दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। बट वन थिंग वॉज देयर, जब मैं उनसे मिली, सो जो मैंने वहाँ मतलब देखा, दैट वॉज एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दैट दैट आई एडिड इन टू माई लाइफ। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी आई हैड थ्रू दिस सेशन, और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो ये सेशन देखते हो, देख रहे हो, आप बाकी सबको भी शेयर करो। अगर आप ऐसे भी कुछ देखते हो, तो सामने वाले को समझने की ज़रूरत है। आप सब यूथ ही हो, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसा अपनी लाइफ में कभी मत करें, राइट? सो
Coming back, so living with family members, including their children and grandchildren, is very essential for older people. So create convenient care facilities. Make it easier for older people to stay at home by creating facilities, short-term care centers, right, daycare. Elderly individuals can be with their families most of the time while still getting the care, assistance they need during the day. So these are the things that you can write in your mains answer also, as per the recommendations given by the report, and also you can take it in your way forward as well. Theek hai. Moving on to the other article, that is regarding pygmy hogs. 18 captive breed pygmy hogs were released in western Assam's Manas National Park and Tiger Reserve. Thoda sa baat kar lete hain. ये स्पीशीज पिग्मी हॉग इज द स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड. सो इंटरेस्टिंग ये है दैट इट्स वन ऑफ द फ्यू मैमल्स दैट क्रिएट देयर ओन होम्स कंप्लीट विद रूफ. इट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज. इंडिकेटर स्पीशीज एज इन सी इनकी जो प्रेजेंस है दैट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी हैबिटेट, पर्टिकुलरली टॉल एंड वेट ग्रासलैंड्स, क्योंकि वैसी जगह पर रहना पसंद करते हैं. दे लाइक टू लीव इन अनडिस्टर्ब्ड ग्रासी एरियाज नियर द रिवर्स. सो दे बिल्ड द नेस्ट ड्यूरिंग टॉल ग्रास, यूजिंग टॉल ग्रास एंड मिक्स ऑफ प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज. करंटली दीज हॉग्स आर मेनली फाउंड इन मानस टाइगर रिजर्व इन असम. अब बात आ गई मानस की, अब बात आ गई आपके होमवर्क की, और अब बात यही है कि इसको मैप में देखना है और बाकी जो आसाम में नेशनल पार्क्स टाइगर रिजर्व्स हैं वो आज आपके डन एंड डस्टेड हो जाने चाहिए. ठीक है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना. कंजर्वेशन स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन के अंदर. मानस नेशनल पार्क आसाम के अंदर है. इट इज कॉन्टेजियस विद रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान. नेशनल पार्क है, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है ये. इट कंटेन्स सम ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग ग्रासलैंड हैबिटेट्स. मानस रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ से बहती है थ्रू दिस मानस नेशनल पार्क. और यहाँ पर आपको काफी रेयर और एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी. अभी जैसे हमने पिग्मी हॉक की भी बात करी है, गोल्डन लंगूर, इवन आसाम रूफ टर्टल, तो ये सारी स्पीशीज. Ruziang Zhang, Assistant Professor, University of California, Berkeley, USA, will be awarded with 2023 Shastra Ramanujan Prize for his outstanding contribution in mathematics. हमारे लिए important हो जाता है इस prize के बारे में जानना. सशस्त्र रामानुजन प्राइज एक prestigious award है जो दिया जाता है for exceptional contribution in the field of mathematics. हर साल दिया जाता है. किसको दिया जाता है अभी बताऊंगी. 2005 में ये शुरू हुआ था एंड इज अवॉर्डेड एवरी ईयर. ठीक है, सो दिस प्राइज इज प्रेजेंटेड ऑन 22nd of December. 22nd of December को ही क्यों होता है? इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एन एक्लेम्ड मैथमेटिशियन नेम श्रीनिवास रामानुजन. Right, so it's given as Sastra Ramanujan, Sastra University, that is in Tamil Nadu. ये prize basically उनको दिया जाता है to the mathematicians जिनकी age 32 होती है and under the age of 32. Age limit is to honor the fact that Ramanujan at a young age achieved remarkable feats in the field of mathematics. So the award includes citation, a certificate of recognition and a prize also of $10,000. Right, it is a very highly esteemed award, a very respected worldwide. Previous winners of the prize, Manjul Bhargav, Akshay Venkatesh, तो ये आप याद में रख सकते हो. रही बात contribution की of this young mathematician, Ruziang Zhang is a young mathematician who has made significant contribution in various areas of mathematics, like analytical number theory हो गया, combinatorics एंड हारमोनिक एनालिसिस, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों में. ठीक है, ये है आज का आपका आर्टिकल, दैट इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ टूडे सेशन. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसिस पेंशन लॉन्च द इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0. थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. ये
मॉनिटरिंग, शाम से ही पता चल रहा है, ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम। आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं आप कैसे लिखते हो, कहाँ लिखते हो, चैट कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही ये एक लगा लो एक वेबसाइट जहाँ पर लोग, पीपल, सिटीजन्स, दे कैन रिपोर्ट देयर कंप्लेंट्स और एनी ग्रीवियंसेस दे हैव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज अ पोर्टल दैट इज मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इम्प्लीमेंटेड बाय IIT कानपुर। गोल क्या है इसका? सिस्टम हेल्प्स द गवर्नमेंट क्विकली लुक एट द ग्रीवियंसेस दैट पीपल हैव रेज्ड, अंडरस्टैंड देम। इट शोज द डेटा इन अ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड टेबल, इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट वेयर द कंप्लेंट्स केम फ्रॉम, विच स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम विच मिनिस्ट्री। इट इज डिजाइन टू हेल्प द ऑफिशियल्स फिगर आउट, अच्छा मेन रीजन क्या था बिहाइंड द कंप्लेंट। बेनिफिट क्या होगा? स्पीड अप हाउ द गवर्नमेंट डील्स विद कंप्लेंट्स। दिस सिस्टम विल स्पीड अप दैट बाय मेकिंग इट इजियर फॉर द ऑफिशियल्स टू ड्राफ्ट द रिस्पॉन्स और एक्शंस। इट्स स्मार्ट क्यों? बिकॉज इट यूजेस AI to help the process and understand all the information. तो ये हो गया AI का एक application. हमने AI बहुत बार cover किया है, ethical AI है, याद आ रहा है कुछ? AI से related हमने बहुत से articles cover किए हैं। जब आप AI use करोगे तो उसमें you can use it in your applications, right? थोड़ा सा CP Gram के बारे में बात कर लेते हैं। Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System. It's like an online complaint box that's open 24/7 for the people to share their problems. If you face any issue with the government service, you can use this system to let them know. तो कैसे काम करता है? It's a single website that is connected to all the government departments in India. जितने भी government departments हैं वो इस system को access कर सकते हैं based on their role and where they are. Right? You can access this system. Mobile application, website that you can download from the Google Play Store. There is a mobile application that is called as Umang, right? That integrates with it, making it even more accessible. So when you file a complaint using it, you receive a unique registration ID. You can use this ID to check how your complaint is progressing or even if there have been any updates, jo bhi kuch hai. तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू शेयर योर फीडबैक, डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरी डे। इफ़ यू नीड रिविजन टिप्स यू कैन लेट मी नो इन द चैट कॉमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली लेट यू नो इन द अदर सेशन। दिस इज योर मेंटर R. Sukakkar साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट। Take care.